कोई भी महिला जब 40-45 साल की होती है तो उसे ये लगने लगता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब उसके लिए करने को कुछ नहीं है, किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, ना वो पहली सी दिखती है, और कहीं उसके लिए, हर किसी के लिए उसकी अहमियत कम होने लगती है, ऐसा उसे महसूस होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अपने मन में अपने लिए अहमियत होनी चाहिए, और इसे फागुनी मन भी कह सकते हैं। जैसे धरती का मौसम होता है फागुन, आखिरी महीना होता है लेकिन सबसे खूबसूरत मौसम होता है, उसी तरह से जो 50 के बाद की जो उम्र होती है, वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप वन में प्रस्थान कर जाइए, वानप्रस्थ का अर्थ ये होता है कि आप अपनी तरफ प्रस्थान कीजिए, आप अपनी तरफ लौटिए। ये मौसम होता है तब आप अपने मन का करती हैं, तब आप जवाबदेह नहीं हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त हैं और आप उड़ान भरती हैं, तो बहुत खूबसूरत मौसम है। इसी से संबंधित लगभग एक कविता है, आजकल मैं मन का करती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ, हाथों को गर्म कॉफ़ी से और रूह को फैज़ की नज़मों से सेकती हूँ, आजकल मैं मन का करती हूँ। हर सुबह पेपर में छपी खबरों पर इत्मीनान से बहस करती हूँ, सरसों का साग, बथुए की रोटी, कभी गुड़ कभी हरी मिर्च से कुतरती हूँ, गमलों में उगी खेती को पानी से सींचती हूँ, शाम को आवारगी से घूमते पेड़ों की कलगी पर चिड़ियों का कलरव सुनती हूँ, दोपहर को दोस्तों का हाथ पकड़ गली मोहल्ले की बातों से लिपटती हूँ, बचे कुचे पेड़ों पर पंछी नीड़ बना पाए ऐसी कोशिश में शामिल होती हूँ, सांझ ढले दूर से ही अपने खेतों को आँखों से सहलाती हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती क्योंकि आजकल मैं मन का करती हूँ, हाथों को गर्म कॉफ़ी से और रूह को फैज़ की नज़मों से सेकती हूँ, आजकल मन का करती हूँ।